दिनभर न्यूज डायरी आपके हक की आवाज। सेना की सरला बटालियन की तरफ से पुंछ के सीमावर्ती गांव खड़ी करमाड़ा में फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर आज पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की अध्यक्षता डीएफओ पुंछ और सरला बटालियन के कमांडिंग अधिकारी ने करते हुए सर्वप्रथम अपने हाथों से पौधे लगाए, जिसके उपरांत अन्य अधिकारियों व गांव के लोगों ने स्कूल के बच्चों ने भी बारी बारी पौधे लगाए। इस अवसर पर बात करते हुए एक तरफ गांव के लोगों की तारीफ की, वहीं डीएफओ पुंछ सुरेश मांडा का कहना था कि सेना का पुंछ से लेकर कृष्णा घाटी के कई सीमावर्ती इलाकों में 1,00,000 से ऊपर पौधे लगाए जाएं, ताकि इसकी आज शुरुआत हो चुकी है। लोगों ने सेना के इस कदम का स्वागत किया है, और क्योंकि प्रकृति को बचाने के लिए सेना की तरफ से ये अभियान काफ़ी सराहनीय है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे भी बारी बारी कर ये पौधे लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है स्कूली बच्चों का और स्थानीय लोगों का। ड्राइव हुआ है आर्मी की तरफ से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया में यहाँ प्लांट बहुत कम थे तो इन्होंने लगाए, इसलिए प्लांट जो है ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और ये जो प्लांट होते हैं ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हमें इनसे फ्रूट्स भी मिलते हैं और फर्नीचर की। खुशी से कहना चाहता हूँ ये कि मुबारक हो, ये जहाँ हम खड़े हैं ये हमने 4 पंचायतों की ईदगाह बनाई है, और इस ईदगाह में आज जो सदरकारी हुई है तो इसके हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं, और हमारे सीओ साहब ने हमेशा इस लोगों को साथ लेकर चला है, और हमारे बॉर्डर के जितने भी मसाइल हैं वो सीओ साहब ने हमेशा वक्तन बावक्तन हल करते रहे। और कृष्णा घाटी ब्रिगेड और यहाँ के गांव के लोगों का और स्कूल के बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया है, और जो मीडिया के दोस्त आए हैं, मीडिया कर्मी आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्लांटेशन ड्राइव को जोर बढ़ चढ़ कर इसका प्रचार किया है, अवेयरनेस फैलाई है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज जो प्लांट्स लगाए हैं कृष्णा घाटी ब्रिगेड के साथ हमने, इसमें टोटल टारगेट इन्होंने रखा है 1,00,000 प्लांट्स का, जो कि मेंढर से पुंछ तक है। इसके अलावा हमारे पुंछ फॉरेस्ट डिवीज़न है, वो इस साल विंटर में अराउंड 1,50,000 लगभग प्लांट्स लगाएगा। KLM International School, Defence Road, Mamun, Pathankot, situated at the foothills of Shivalik. The school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Hello everyone, good afternoon. Myself Aliza Fatima Khan. I am from Jammu and Kashmir. My district name is Poonch Tehsil, Mender. My village is Keri Gruta. So, I choose KLM International School because first thing is discipline. We all know that discipline is most important thing in everyone's life. So, we KLMites always follow discipline. Second thing is principal ma'am and our staff members. My principal ma'am is treat me like a daughter. My staff members is very intelligent. So I feel family here every time. Also have well equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well furnished and air conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा, नो फेक प्रॉमिस। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM International की तरफ भेजिए, खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही। For admissions from nursery to plus 2 all streams, kindly contact 9216504779 and 9216505779.